चीन की दिग्गज फोन निर्माता कंपनी हुआवे के सीएफओ मेग वान जोऊ की गिरफ्तारी पर विवादित बयानों के कारण कनाडा ने चीन में अपने राजदूत जॉन मैककेलम को पद से बर्खास्त कर दिया है। जॉन मैककेलम ने हाल ही में चीनी मीडिया के सामने बयान दिया था कि मेंग को अमेरिकी प्रत्यर्पित किया जाना अच्छा नहीं होगा। उनके बयान को चीन के पक्ष में माना जा रहा था। वहीं कनाडा के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में चीन के सामने नहीं झुकेगा। बता दें कि मेंग को 1 दिसंबर को कनाडा में गिरफ्तार किया गया था। वो हुआवे के संस्थापक की बेटी भी हैं। मेंग की गिरफ्तारी के बाद से चीन और कनाडा के संबंधों में तनाव बना हुआ है। चीन ने भी दबाव बनाने के लिए अपने यहाँ कनाडा के 2 नागरिकों को हिरासत में लिया हुआ है। आरोप है कि हुआवे के चीनी सेना से करीबी संबंध है और इसके उत्पादों से दूसरे देशों की जासूसी की जाती है। त्रूडो ने बताया कि जिम निकेल अब चीन में कनाडा का प्रतिनिधित्व करेंगे। त्रूडो ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि का कनाडा सम्मान करेगा। विपक्ष के नेता एंड्रयू शीर ने कहा कि जॉन को पहले ही बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी टिप्पणी से मेंग के मुद्दे के राजनीतिकरण का खतरा पैदा हो गया। शीर ने कहा कि जॉन ने बार बार बातें बदलकर कनाडा की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। दरअसल ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद भी हुआवे द्वारा कारोबार करने और इसकी जानकारी छुपाने के मामले में अमेरिका वेंग का प्रत्यर्पण चाहता है।